सब गाइस वेलकम टू जेके एसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं जेके एसएसबी के अपकमिंग एग्जाम का फ्री रिवीजन क्लासेस। और हम लोग कर रहे हैं टॉप 50 एमसीक्यूज फ्रॉम द टॉपिक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हेरिटेज एंड कल्चर। ऑलराइट, और स्टार्ट करने से पहले सभी को बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करा तो आप अभी इसी नंबर पर मैसेज करें और ज्वाइन करें हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप। आज ये वीडियो बेसिकली फर्स्ट वीडियो नहीं है, इससे ऑलरेडी हम लोग 4-5 वीडियोस कर चुके हैं और ये फाइनल लास्ट वीडियो है। आज के ये वीडियो लास्ट वीडियो है। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमने ऑलरेडी करे हुए हैं, वो मैं आप लोगों से पूछूंगा और आप लोग उसका कमेंट सेक्शन में आंसर दोगे सो दैट कि मुझे पता लगे कि आप लोग सच्ची में पढ़ रहे हो या रट्टा ही मार रहे हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, देखो एक चीज़ मुझे याद रखना, क्वेश्चंस कभी भी टफ नहीं होते। हाँ, क्वेश्चन की वर्डिंग मैनिपुलेटेड होती है, सामने वाले बच्चे को समझना है। सो अगर आप लोगों ने क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग कर ली अच्छे से तो क्वेश्चन कोई भी टफ नहीं होता। याद रखना, वो गलत बोलते हैं टीचर जो कहते हैं पेपर टफ आता, पेपर ये आता, पेपर वो आता। अरे जस्ट 20% हाई लेवल होता है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट एग्जाम पास करने के लिए आपको वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू नो इज यू हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन, दैट्स ऑल, सिंपली, नथिंग एल्स। राइट, चलिए पहला जो क्वेश्चन है, सुनो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा। पहला जो क्वेश्चन है दैट इज कि टेम्परेचर जो है कश्मीर में विंटर में बहुत डाउन जाता है, कभी कभी तो माइनस मतलब इतना डिग्री भी गया होगा कभी हिली एरियाज में। ओके, उसके बाद इन्होंने कहा है कि बाकी अगर हम बात करें प्लेन्स की तो वहाँ पे भी 8 से -8.5 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। ठीक है, और कहा गया है कि वहाँ के लोकल लोग कौन से वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं जो एक लॉन्ग गाउन की तरह होता है जो उन लोगों को ठंड से बचाता है, तो इस गाउन का नाम क्या है। मुझे पता है कश्मीर के लोग सभी जानते हैं कि इस क्वेश्चन में बेसिकली ना एक कपड़े को एक्सप्लेन करा है और यही मैक्सिमम लोगों को समझ नहीं आती। ओके, तो बेसिकली इसमें पूछा गया है, इसमें हिंदी का अगर बात करें तो बोला गया है कि कश्मीर में टेम्परेचर जो है बहुत डाउन जाता है। ठीक है, प्लेन और हिली दोनों में डाउन जाता है, तो लोकल लोग जो हैं वो एक वुलन क्लोथ जो है एक लॉन्ग गाउन टाइप का पहनते हैं। आपको पूछा गया है कि उसे क्या कहते हैं, तो इसका आंसर है फिरन। क्या आंसर है? फिरन। ओके, फिरन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पहना हुआ है इन्होंने। फिरन जो है वो एक लॉन्ग रोब बॉन्ड मतलब एक लॉन्ग रोब होती है जिसे लोग लॉन्ग रोब के थ्रू बनाया जाता है। ऑलराइट, जिसे मोस्टली कश्मीरी जो है वो विंटर में बियर करते हैं सो दैट कि वो अपने आप को कोल्ड से बचा सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है दैट इज कि एक ट्रेडिशनल गंडोला टाइप लाइट वेट रोइंग बोट राइड जो फेमस है डल लेक कश्मीर में, बताओ क्या उसे क्या बोलते हैं। तो इसका जो आंसर है दैट इज शिकारा राइड। क्या आंसर है? शिकारा राइड। ओके, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज कि कौन सी लैंग्वेज है जो सिर्फ मेनली मतलब खास तौर पे सिर्फ जम्मू, सिर्फ नहीं बोल रहा मैं, मेनली मतलब ज़्यादातर खास तौर पे जम्मू रीजन में बोली जाती है और जो इंक्लूड हुई थी 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बताइए। दैट इज सिंपल, डोगरी। आप सभी जानते हैं क्या आंसर है, डोगरी। जम्मू रीजन में मैक्सिमम और मेनली डोगरी बोली जाती है। और एक चीज याद रखना कि आपकी डोगरी लैंग्वेज जो है वो 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली एड ऑन हुई थी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर, चलिए। ओके, एक चीज और बता दूं कि यहां पे मैं एक चीज पॉइंट आपको बताना चाहता हूं ये शेड्यूल के रिगार्डिंग। आपकी ये जो 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज है ना, जिसमें से डोगरी भी एक थी, ये 2003 से मतलब देन इट वाज इंक्लूडेड बाय द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि मकर संक्रांति जो है वो एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, मतलब सेलिब्रेट किया जाता है मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया, बताओ अंडर मतलब डिफरेंट नेम्स, अब बताइए उसको क्या बोलते हैं। फिर से एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन को कि मकर संक्रांति जो है इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, पहली लाइन में ये लिखा है, दूसरा लिखा है कि ये इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में सेलिब्रेट किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट नेम्स के साथ। आपको पूछा गया है कि किस नेम के साथ, मतलब ये जो फेस्टिवल होता है ये किसके ऊपर है। देखो हर एक त्यौहार किसी ना किसी कुछ ना कुछ होता है ना, उसका फंडामेंटल होता है, कोई बेस होता है, तो ये उसी पे पूछा हुआ है कि बताइए मकर संक्रांति का बेस क्या है, तो किसके ऊपर है, दैट इज
फेस्टिवल ऑफ हार्वेस्टिंग, ठीक है, हार्वेस्टिंग के जब हार्वेस्टिंग करते हैं तो उस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए मकर संक्रांति या अलग अलग जगहों पे इसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज कि खीर भवानी फेस्टिवल जो है वो कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। आई नो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट नोस आंसर, दैट इज श्रीनगर। कहाँ पे? श्रीनगर में किया जाता है। ओके चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्वेश्चन में पूछा है कि हु हैज रिसीव्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022 इन डोगरी लैंग्वेज फॉर द बाबा जितमल प्ले। बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा है कि साहित्य अकेडमी अवार्ड 2020 में डोगरी लैंग्वेज में बाबा जितमल प्ले के लिए किनको दिया गया था, ठीक है, किनको दिया गया था। तो इनका आंसर है ज्ञान सिंह। किनको दिया गया था? ज्ञान सिंह जी को। इनका एक प्ले था जिसका नाम था बाबा जितमल, ठीक है। तो उस डोगरी प्ले के लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड 2020 में दिया गया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज, देखो ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, इसका आंसर आप लोग दोगे, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आई थिंक आपको पता लग ही जाएगा क्योंकि जब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊँगा तो वो स्लाइड आ जाएगी। ओके, तो मैंने बताया था आप लोगों को कि एक फ्रेंच टाइप का चैट्यू होता है पैलेस, मैंने शायद ये मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है, महल, फ्रेंच टाइप का एक महल जिसे आप लोग तभी से देखो तो बहुत ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर डिज़ाइन लगता है, रेड सैंडस्टोन का, और जो कभी कभी मतलब एक टाइम पे जो प्रेसिडेंशियल पैलेस भी हुआ करता था, बताइए उसका नाम क्या है, आप सभी जानते हैं, दैट इज़ राजा अमर सिंह, ठीक है। कौन सा पैलेस है? अमर महल पैलेस जो है ये बोला जाता है। क्लियर है? ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ आप लोगों को, आई थिंक आपको पता भी हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा है कि ओके ये क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं, क्वेश्चन में ये है कि ये इस म्यूजियम के बारे में एक्सप्लेन करा हुआ सिंपल कि एक म्यूजियम है जिसमें पेंटिंग्स की गैलरीज पड़ी हुई हैं, लाइब्रेरी है, मतलब जिसमें अराउंड 25,000 बुक्स हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर। बताइए भाई कहाँ पे है? तो इसका जो आंसर है दैट इज सेम, अमर महल पैलेस। क्लियर है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया कि पॉपुलर क्वेश्चन बोलते हैं फूड, खाना, भोजन, ठीक है, भोजन आप लोग ऐसे बोल दो, फूड, ओके, कश्मीरी रीजन का वो पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज डी वाला, मतलब जिसमें आप लोगों का ए और बी दोनों आ जाते हैं, कावा ग्रीन टी जिसे डिफरेंट स्पाइसेस के साथ वॉलनट एलमंड या सेफ्रॉन के साथ प्रिपेयर किया जाता है, उसके बाद गुश्तावा जो स्पाइसी मीट बॉल जो है उससे मतलब बनाया जाता है, ठीक है। तो इसका जो डी वाला दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकोरेक्ट विद रेफरेंस टू द फैब्रिक, ओके, इन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर। ओके बताइए नीचे जो ऑप्शंस दिए हैं कौन सा ऑप्शन इनकोरेक्ट है, किसके रेफरेंस के थ्रू? फेमस फैब्रिक इन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर। ओके, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करोगे। ओके, आई नो कि कश्मीर स्टूडेंट मैक्सिमम नोज दिस आंसर, लेकिन अगर आपको आंसर पता है तो बता देना, अदरवाइज मैं इसका जो आंसर है वो आपको डाल के पिन कर दूंगा। आई वॉन्ट कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दो। तो आपको लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ हिट करके लाइक ज़रूर करना, पहले तो लाइक ज़रूर करना, दूसरा कमेंट करके ज़रूर बताना, और फाइनली ये हमारा लास्ट लेक्चर था अबाउट हेरिटेज एंड कल्चर। नाउ नेक्स्ट जो है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी ऑफ जम्मू कश्मीर जेएनके। तो अगर आप लोगों को जेएनके जीके में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम या इशू है तो आप 7006332724 पे मैसेज करके आप पूरा हमारा जो कोर्स है वो बाय कर सकते हैं। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय।